हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में तो मैंने बोला था कि मैं आईआर कराऊंगा तो आईआर तो चल ही रहा है अपना बट अपनी स्पेशल क्लासेस और करंट अफेयर की क्लासेस नहीं छूटनी चाहिए तो टॉपिक्स सब कुछ कवर अप करना है जो भी न्यूज में आए क्योंकि न्यूज में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो प्रतिदिन इंपॉर्टेंट रहते हैं जिनसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है इसलिए मुझे क्या करना है मैनेज करके चलना है दोनों में तो मैंने आज एक टॉपिक उठाया है दैट इज माइक्रो माइक्रो फाइनेंस फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन चर्चा के अंदर में भी है और क्या होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इसके बारे में मैं जानकारी दूंगा अभी आपको वीडियो के अंदर में पर मैं चाहता हूं यार एक बार आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की या फिर स्टेट पीसीएस एसएससी बैंकिंग रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है तो उनका स्वागत है तो अपन आज क्या करने जा रहे हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन यानी एम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कल मैंने आई के बारे में पढ़ा है और आज मैं पढ़ा रहा हूं एम के बारे में ठीक है तो जीएस पेपर थ्री से इंपॉर्टेंट रहेगा इंडियन इकोनॉमिक एंड रिलेटेड इश्यूज तो बिजनेस के अंदर में बिजनेस वर्ल्ड के अंदर में भी न्यूज आया था न्यूज क्या आया था कि माइक्रो फाइनेंस जो है ना एक तरह का जो एवरेज लोन देता है लोन प्रोवाइड करता है हमारे छोटे लोगों को इससे भारत के जो अर्थव्यवस्था है उसमें बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है हमको तो इसे द प्रिंट ने भी पब्लिश किया कहा कि एमएसएमई जो एमएसएमई माफी जगह एम आई एस जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो प्ले कर रहे हैं एक लीडिंग रोल जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर में है ताकि इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ता चला जाए तो न्यूज मैंने बता दिया कि एक रिपोर्ट जारी किया गया है और रिपोर्ट में यह बताया गया है कि जो हमारा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो लीडिंग रोल प्ले कर रहा है ग्रोथ के अंदर में अब किस प्रमुख बिंदुओं के ऊपर में यह रिपोर्ट निकाला गया पहला सपोर्ट सिस्टम याद रखिएगा पहला सपोर्ट सिस्टम कहता है कि एम एम आई एफ बार बार मैं बोल रहा हूँ पुरानी बोलूंगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है वो एक तरह का फाइनेंशियल सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम कर रहा है जो लो इनकम हाउस होल्ड को क्रेडिट प्रोवाइड करता है और ये लास्ट कुछ सालों में इतने अच्छे तरीके से इसने काम किया है ना कि लगभग छह करोड़ लोगों को इसने ऋण प्रोवाइड किया है अब ये लो इनकम ग्रुप कौन है देखिए लो इनकम ग्रुप हमारे जैसे आप देख सकते हो तो जो स्मॉल बिजनेसेस कर रहे हैं जो ठेला वाला है रेडी वाला है इनको सपोर्ट करता है <coughs> इनको सपोर्ट करता है ठीक है साथ ही साथ समय के साथ हमको यहाँ बदलाव देखने को मिल रहा है क्योंकि डेटा हम किसी चीज पे निकालते हैं ना तो उसी प्रकार समय में अगर हम इसे काउंट करें टाइमलाइन से जब से बना है तो दो से लेके दो तक के बीच में जो आपका एम आई एम एफ आई है उसने क्या किया है उसने इंक्लूसिवली एक्सपेंड किया है और बढ़ाया है हमारे इकोनॉमी को क्योंकि देखिए हमारा इकोनॉमी ए टू से चल रहा है ए टू से भी चल रहा है लेकिन सबसे ज्यादा कौन चला रहा है इस इकोनॉमी को सबसे ज्यादा छोटे लोग चला रहे हैं अगर ये छोटे लोग खत्म हो गए ये छोटे लोग नहीं टिक पाए बिजनेस में तो पूरी अर्थव्यवस्था नीचे आ जाएगी सिर्फ इस इकोनॉमी को ए टू लोग नहीं चला रहे हैं हमारे जो ए टू लोग हैं ए टू आप समझ सकते हो ए टू लोग जो हैं, वो नहीं चला रहे हैं इस देश को इस देश को हमारे छोटे लोग हमारे किसान चला रहे हैं तो उसी तरह उनके ग्रोथ को डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए जो आपका एम एफ आई है उनके द्वारा लगातार प्रयास किया गया है कि हम इन छोटे लोगों को ऋण ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करें ताकि अपने हुए लॉस से ये बाहर आ सकें एक्सपेक्टेड ग्रोथ यानी अगर ये जो आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है अगर ये भारत के अंदर में इसी प्रकार काम करते रहा दोस्तों तो यहाँ पे क्या मिलने को मिलेगा देखने को मिलेगा हमको हमको यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा अगर हम 21, 20, 2021 से 26 की से बात करें ना तो 122.4 बिलियन यूएस डॉलर तक का ग्रोथ हमको भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर में देखने को मिल रहा है जो बहुत ज्यादा है मेरे नज़र में आई होप कि आपके नज़र में भी ये ज्यादा हो क्योंकि देखिए आप सोचते हो कि कुछ आंकड़े ऐसे होते हैं ना जो काफी छोटे होते हैं लेकिन एक छोटे चीज से ना बहुत बड़े चीज में फर्क आता है जैसे डीजल या पेट्रोल का दाम कम होना या दाम बढ़ना सिर्फ कुछ पैसे बढ़ते हैं लेकिन उससे पूरी अर्थव्यवस्था पे एक बड़ा फर्क आता है तो आंकड़े यार यहां पे छोटे छोटे आंकड़े भी इंपॉर्टेंट है तो इतना बड़ा ग्रोथ रेट हमको पे देखने को मिल रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर में तो काफी अच्छी बात है अगर परसेंटेज की बात करें तो अलेवन पॉइंट सिक्सेंट का यहां पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है ये कोऑर्डिनेट करता है भारत कि जितनी भी सेवरल एजेंसीज हैं और साथ ही साथ जो ग्लोबल लेवल पे काम कर रही हैं जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं यार जो बहुत छोटे हैं जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं है ठेले वाले हैं रेडी वाले हैं उनको सपोर्ट करते हैं ताकि जो अपनी गरीबी रेखा से है ना वो कहीं ना कहीं ऊपर आ सके साथ ही साथ इन्होंने डिजिटल में वे का बहुत ज्यादा सहारा लिया 2017 के बाद से इन्होंने बहुत सारे डिजिटल चैनल्स बनाए मोबाइल बैंकिंग बनाई ई वॉलेट्स बनाया ताकि जो हम लोग कह रहे हैं गो ऑनलाइन तो वो गो ऑनलाइन इनके लिए भी पॉसिबल हो ये सिर्फ ऑफलाइन ना बेचे अब मैंने बताया कि न्यूज क्या होता है अब मैं पहले आपको बताऊंगा कि हम लोग माइक्रो फाइनेंस किस बोलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे इकोनॉमी के भी पेपर का पार्ट है तो माइक्रो फाइनेंस क्या होता है माइक्रो फाइनेंस एक तरह का फाइनेंशियल सर्विस होता है जो छोटा ऋण यानी छोटा लोन प्रोवाइड करता है और अदर सर्विसेज देता है एंड लो इनकम हाउस होल्ड को क्या बोला मैंने मैंने बोला कि इस जो माइक्रो फाइनेंस है एक तरह का फाइनेंशियल सर्विसेज है फाइनेंशियल सर्विस के अंदर में जितने भी सर्विस आते हैं उसमें से ही उसका एक पार्ट है दैट इज माइक्रो फाइनेंस ये क्या करता है ये स्मॉल लोन प्रोवाइड करता है तो भैया जी ये बताइए ना कि स्मॉल लोन क्या होता है देखिए हर कंट्री के इस हिसाब से स्मॉल लोन का डिफिनेशन अलग अलग होता है जैसे आप यूएस की बात करो तो उनका अलग डिफिनेशन है आप रशिया की बात करो तो उनका अलग डिफिनेशन है कनाडा की बात करो तो उनका अलग डिफिनेशन है तो विश्व भर में स्मॉल लोन का अलग अलग डिफिनेशन है क्यों है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था डिफरेंट है ना अब यूएस की अर्थव्यवस्था देख लो भारत की अर्थव्यवस्था देख लो साउथ अफ्रीका की अर्थव्यवस्था देख लो जापान की देख लो तो जो हमको यहाँ अर्थव्यवस्था में डिफरेंट डिफरेंस देखने को मिलता है अब किसी के लिए क्या है एक लाख बहुत ज्यादा होगा जैसे मानो पाकिस्तान के लिए इनके लिए एक लाख रुपए बहुत ज्यादा है लेकिन भारत के लिए एक लाख रुपए ज्यादा नहीं है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बढ़ चुकी है पाकिस्तान के लिए तो एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि एक रुपया भी ज्यादा हो जाए लेकिन जो भारत के लिए है वो एक लाख बहुत क्या है कम अमाउंट है इसलिए ऐसे लोन को हम जो एक लाख से कम लोन ले रहे हैं जो जो लोग हैं जो एक लाख से कम का लोन लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं हमको उनको उनको हम बोलते हैं माइक्रो लोन्स यानी स्मॉल फाइनेंस में फाइनेंसेस में उनको कंसिडर किया जाता है अब ये माइक्रो क्रेडिट बहुत तरह के चैनल से ले सकते हैं वो कौन कौन से चैनल से हैं जैसे आप आर के बारे में आर आर पे भी मैंने क्लास ले रखी है एन बी एफ सी पे भी मैंने क्लास ले रखी है तो इन सब माध्यम से ये क्या कर सकते हैं इन ऋण का सहारा ले सकते हैं और आज जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये भी एक तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो सरकारी भी हो सकते हैं गैर सरकारी भी हो सकते हैं लेकिन यह रजिस्टर किसके अंदर होते हैं यह होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर में इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है क्या होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पहला सवाल देखिए माइक्रो फाइनेंस सिंपल समझो जो भी माइक्रो फाइनेंस वाली सर्विसेज को जो भी ऐसे ऋण प्रोवाइड करें जो पुअर लोग को प्रोवाइड करें लो इनकम ग्रुप्स को प्रोवाइड करें उन्हीं इंस्टीट्यूशन को हम लोग माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन बोलेंगे एकदम सिंपल बात बात में ये तो मैंने कहा समझाने वाली बात। लेकिन भैया जी जब लिखने की बारी आएगी तो आपको चाहिए कंटेंट जो मैं सामने प्रकट कर रहा हूं अब ये प्रकट कर रहा हूं तो इसका स्क्रीन भी आप ले ही लो जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊं वैसे वैसे स्क्रिप्ट शॉट ले लो टेलीग्राम मैंने बनाया नहीं है टेलीग्राम हो सकता है भविष्य में बना दूं आप लोग के लिए ताकि आप जो पीपीटी की जो टेंशन रहती है ना आपको कि सर पीपीटी 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 कमेंट में लिख दो पीपीटी दिलवा दो यार देखो पहली बात कि जब भी ये सोचोगे ना कि हमें दूसरों के भरोसे रहना है तब तक कभी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे जब भी प्रिपरेशन कीजिए अपने हिसाब से नोट्स बनाइए दूसरा कैसे पढ़ रहा है इसके ऊपर में ध्यान मत दीजिए आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी सही है आप चीजों को कैसे कवर करेंगे वो अब मैं ये पीपीटी दे दूं तो क्या आप कभी भी नोट्स बनाओगे इस सबके ऊपर में क्या कभी भी आप मेहनत करोगे कभी भी आप रिसर्च करोगे इस सबके ऊपर में या भारत के अंदर में मैं हर चीजें तो प्रोवाइड कर देता हूँ लेकिन आप अब लिखोगे भी नहीं तो कैसे काम चलेगा यार पूरा कंटेंट दे दे रहा हूँ पूरा चीज पढ़ा दे रहा हूं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं ऐसा नहीं है कि यहां पे अलग पढ़ा रहा हूँ कहीं और जाके अलग पढ़ाता हूं वहां ज्यादा कंटेंट देता हूं ऐसा तो नहीं करता पूरा कंटेंट दे रहा हूँ फ्री में दे रहा हूँ जबकि चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ अभी तक मेरा तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि आप मेहनत करो यार अगर आप यूपीएससी का ड्रीम रखते हो ना तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए नोट्स वगैरह बनाइए सामने कंटेंट खुला हुआ है मैं पढ़ा भी रहा हूँ आप लिखते भी चलिए क्लास में भी आप यही करते हो बचपन से कि सर पढ़ाते होंगे नोट्स लिखाते होंगे तो आप लिखते होंगे तो थोड़ा जो है ना शरीर को बचाओ मत यार काम आएगा अपनी बुद्धि का जो है ना इस्तेमाल करो खैर आपकी मर्जी जो आप करना चाहें तो जो हमारे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है वो एक तरह के फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो स्मॉल लोन प्रोवाइड करती हैं उन लोगों को जिनके पास बैंकिंग सर्विस फैसिलिटी नहीं पहुंच पाता वैसे लोग जो मैं आ, आपका सर्विसेज से बैंकिंग सर्विसेज से वंचित है उनको ये कोशिश करता है कि लोन प्रोवाइड करने का साथ ही साथ ये प्रमोट करता है फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे आपका जनधन वगैरह हो गया इसको भी ये प्रमोट करता है ताकि लोग क्या कर सकें जो लो इनकम ग्रुप है हमारा वो अपने गरीबी रेखा से बाहर आ सके अपना आय को बढ़ा सके अपना लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ा सके लगातार प्रयास ये करता रहता है साथ ही साथ ये रिड्यूस करता है पॉवर्टी को वुमेन को एम्पावरमेंट करता है असिस्टेंस प्रोवाइड करता है वर्ल्ड लेवल सेक्शन के अंदर में इंप्रूव करता है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ताकि पूरे तरीके से जो भारत में गरीबी रेखा है वो कम से कम हो सके ग्रोथ की बात करें ना सिर्फ तो दो टिकेट दो टिकेट मतलब कितना होता है ट्वेंटी ईयर्स याद रखिएगा दो टिकेट को हम क्या बोलते हैं ट्वेंटी ईयर्स अगर हम सिर्फ दो डिकेट की बात करते हैं ना तो भैया जी इसने तो कमाल कर दिया है एकदम बोलते हैं ना एकदम कमाल बेमिसाल बोलता है ना कमाल बेमिसाल तो ये दिखा रहा है कि अर्थव्यवस्था जो है ना मैं बार बार बोल रहा हूं अगर ए टू से चल रही है तो उससे ज्यादा चल रही है आपके छोटे लोगों से और मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं कि ये लोग जिस दिन खत्म हो गए ये लोग बर्बाद हो गए ना पूरी अर्थव्यवस्था रोड पे आ जाएगी ठीक है तो इनको बचा के रखना इनको प्रोटेक्ट करना ही सरकार का पहला जिम्मा है कौन कौन से ग्रुप हैं जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के द्वारा तो पहला है आपका ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप ये चार से दस लोगों का समूह होता है जो आपस में ही लोन प्रोवाइड करते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया जैसे आप देख सकते हो महिलाएं वगैरह जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड जिनका कमजोर है उनको मजबूत बनाने के लिए ये महिलाएं साथ में आती हैं और एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती हैं ग्रामीण मॉडल बैंक हो गया कॉपरेट रूरल कॉपरेटिव हो गया ये तमाम तरह के आप इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं जो माइक्रो फा, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के अंदर में काउंट किए जाते हैं अब महत्व क्या है भाई इंपॉर्टेंस क्या है तो पहला इंपॉर्टेंस मैंने बताया ना आपकी पहला इंपॉर्टेंस ये है कि जैसे लो इनकम ग्रुप है ना वो अगर अपने पैसे को दे, देते हैं इस बैंक के अंदर में तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमको इनकम फ्लो देखने को मिलेगा फ्यूचर उनका सिक्योर रहेगा पैसे जमा रहेंगे सही वक्त में इनके पैसे बढ़ेंगे इनका जिंदगी बढ़ेगा खराब वक्त में इनको लोन मिलेगा ताकि ये अपने जिंदगी को वापस से ऊपर की तरफ लेके आ सके क्रेडिट अवेलेबिलिटी करेगा इजिली आसानी से ऋण प्रोवाइड हो सकता है ज्यादा कोई कॉलेट्रल भी नहीं लगता इसमें कॉलेट्रल एक बार आप चेक कर लेना क्योंकि मुझे याद है कि कॉलेटरल इसमें नहीं लगता लेकिन बा, 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 बाकी आप गूगल कर लेना यार ये चीज़ मैं आई एम सॉरी मैं इंक्लूड नहीं कर पाया बट मुझे इतना याद है कि जो माइक्रो फाइनेंस के अंदर में लोन दिया जाता है वो बिना कॉलेटरल के दिया जाता है मतलब कोई भी प्रकार की सिक्योरिटी नहीं होती सर्व करता है अंडर फाइनेंस सेक्शन को जैसे आपकी महिलाएं हो गई अनएम्प्लॉयमेंट लोग हो गए उसके बाद जो लोग डिसेबल हैं उनको साथ ही साथ बेटर एंड कंटिन्यू एजुकेशन प्रोवाइड करना चिल्ड्रेंस को फाइनेंसिस प्रोवाइड करना कहीं ना कहीं अगर आ, कोई एजुकेशन पॉलिसीज चल रही हैं तो उसके अंदर मैं पैसे प्रोवाइड करना ताकि बच्चे जो है अपना भविष्य को अच्छा बना सके हैं अब कौन कौन से स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक्स काम कर रहे हैं भारत के अंदर में जैसे आपका उज्जीवन हो गया उसके बाद आपका हो गया आ, इक्विटी इक्विटास उसके बाद हो गया फाइनेंसर्स कैपिटल लोन एरिया बैंक ये तमाम तरह के दस जो है आपके लगभग काम कर रहे हैं स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक के अंदर में जो अप्रूव हैं बस आज के लिए इतना ही था इसमें आप चैलेंजेस लिखना तो लिख लो क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट था कि माइक्रो फाइनेंस बताना याद रखना कि माइक्रो फाइनेंस के अंदर में जो मैंने कहा स्मॉल लोन तो स्मॉल लोन हर कंट्री की सबसे डिफरेंट होता है अब ये चीज़ एकदम समझना कि आपको एज इट इज लिखना है कॉपी के अंदर में अगर आपने अपना कोई भी मनगणन कहानी बनाने की कोशिश की या जरा भी होता ना कि कतई तेज बन रहे हो ना उस वो काम मत करना क्योंकि स्मॉल लोन जो है हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग डिफाइंड है तो ऐसा आप लिखना कि भारत के हिसाब से जो भी लोन एक लाख से कम लेता है उसको हम लोग स्मॉल लोन या माइक्रो लोन बोलते हैं ये नहीं कि एकदम ताबड़तोड़ फायरिंग किए जा रहे हैं कॉपी के ऊपर में तो ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी लिख दोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा ये बात दिमाग से निकाल देना कंटेंट वैसा लिखो जहाँ से ज्यादा से ज्यादा सलेक्शन की तरफ आपका पैर बढ़े माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के बारे में बता दिया जो मुद्दा था आज का न्यूज़ बता दिया कि लगातार दो डिकेट्स के अंदर में भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इसी तरह अगर ये चलता रहा तो 2026 तक इसने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूश कंट्रीब्यूशन देगा भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर में कौन कौन से बैंक काम कर रहे हैं मैंने लिस्ट दे दिया है आप चाहो तो पढ़ सकते हो आप क्या करना चैलेंजेस लिख लेना चैलेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी इंस्टीट्यूशन आई इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर में क्वेश्चन चल रहे हैं आप जाकर देख सकते हो पूरी मैंने क्लास ले रखी है और शुरुआत कर दिया मैंने इंटरनेशनल रिलेशन का तो वो भी आप पढ़ लो अगर वीडियो समझ में आई है तो एक बार वीडियो को प्यारा सा लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें अन्य लोगों के साथ ताकि यह जानकारी उन तक भी पहुंचे अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ना लिखें अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर में चाहते हैं ये भी बोल अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं तब तक के लिए रखें अपना ध्यान मुझे दिया गया धन्यवाद जय हिंद जय भारत